मैं समझ ले गया और ये मास्क पहना और मैं यूं आया तो सलाम बस बाकी ये चक्कर अब लगते रहेंगे अब तो अकेले रहने में भी डर लगता है यहाँ पे, बिल्कुल ना सुनसान सा फील हो रहा है पहले। ये रहे जी चिकन अचारी और ये मैंने साथ में आज पराठे मंगवाए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है जी मंडे, तो सीन कुछ यूँ है कि सुबह सुबह के अभी जो है ना बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8 समझ लें बजने वाले, बस 10 मिनट रह गए। तो आपको पता अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि मैंने रात को यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। तो हुआ कुछ यूँ था कि गाड़ी की जो टिकट करवाने के लिए जब मैंने कॉल की ना तो वो कहते हैं कि सारी गाड़ियाँ बुक हैं, रिजर्व हैं, सारी सीट्स, आपके लिए कोई सीट खाली नहीं पड़ी, तो ब्राय मेहरबानी आप रेस्ट करें घर पर, आप आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। तो मुझे भी फिर बहाना मिल गया कि मैं ना जाऊं तो कोई मसला नहीं, कल चले जाएंगे, इतना खास तो था नहीं लाजमी जाना। तो फिर रात को तो मैं गया नहीं था, तो अभी सुबह सुबह मैंने कहा चलो चलते हैं। तो तैयारी श्यारी मैंने मुकम्मल कर ली, ये देख के फुल तैयारी पकड़ी हुई है, बस अब ना निकलने की देर है। तो अम्मा जी नाश्ता बना रही हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे इंशाल्लाह शाम तक, शाम को तकरीबन 4-5 बजे तक इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी में होंगे। नाश्ता आई थिंक रेडी हो चुका है, अम्मा नाश्ता तो तैयार हुआ पड़ा है ना, तो वो क्या कहते हैं चाय भी थोड़ी सी जल्दी बना दीजिएगा साथ में, क्योंकि ना 10:15 की मैंने टिकट करवाई हुई है और अभी जो टाइम हो रहा है ना 8 बज रहे हैं, तकरीबन 40 मिनट मुझे लग जाने हैं जाते जाते, बाकी 1 घंटा पीछे रह जाना है। और टिकट मैंने जाके लेनी है, सिर्फ रिजर्व करवाई थी मैंने कॉल करके रात को, और आपको पता टिकट ये एंड टाइम पे फिर देते नहीं है, कहते हैं आप लेट हो गए हो, ये हो गए, उन्होंने कहा था कि 3 घंटे पहले आके टिकट ले लेना। नाश्ता आ चुका है और हमेशा की तरह अम्मा जी ना मेरा फेवरेट मेरे लिए अंडा बनाया है, मुझे अंडा असल में ना बहुत पसंद है, दिन में मुझे 3 टाइम खाना मिलता है और अगर 3 टाइम भी मुझे अंडा दिया जाए ना तो मैं खाता रहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। इसलिए ना अम्मा सुबह के टाइम तो लाजमी मुझे बना के देती हैं, आगे पीछे मतलब कि दोपहर और रात को खाओ ना खाओ। तो अभी नाश्ता कर लेता हूँ, टाइम बहुत कम रह गया, मतलब कि शॉर्ट रह गया, तो जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ, शूज़ वगैरह भी पहने हैं मैंने अभी, और पैकिंग का भी चेक करना है कि कुछ रह ना जाए, एंड टाइम पे एक बार ना मैं सारा कुछ रिवाइज़ कर लेता हूँ कि कुछ रह ना जाए। अब मैं ना शूज़ पहन लेता हूँ, इधर मैंने ना जुराबें पहन ली, और ये जुराबें ना मैंने बिल्कुल नई ली थी, एक बार सही शायद पहनी होंगी, लेकिन इनको धोया तो इनका कलर इतना ख़राब हो गया, ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं यही पहन के जाऊँगा। और आज मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं इनको जादू से पहनूँ ये, और अभी चाय भी लेते हैं। और बहुत अरसे के बाद ना अब जैसे फील हो रहा है कि ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है कि अब जा रहा हूँ ना तो फील करवा रही है। तो अम्मा जी भी आ गई हैं। हाँ जी, अपने यहाँ से सामान के चाय खाया। हाँ जी, बस क्या है इस बात पर, एक सूट लेके जाना था और वही चार्जर वगैरह ये लैपटॉप, हाँ वो भी डाल लिया उधर, मुझे तो लगता है कि फील हो रहा है कि उसी की वजह से फर्क आ रहा है, क्योंकि ना बाल अब देखो ना लाइट जला के तो इधर नजर आते हैं जहाँ पे पैच सा बना हुआ, हाँ लग बाल अब आ रहे हैं ना तो खुशखबरी है। तो चाय पी लेता हूँ, चाय ठंडी हो रही, नाश्ता चाय सब कुछ क्लियर हो गया है और ऑल डन हो चुका है, और अभी अम्मा जी भी चाय पी रही हैं और उसके बाद मैंने निकलना है। और मैं भाई के साथ नहीं जा रहा, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का तो स्कूल गया हुआ है भाई, मुनव्वर घर अकेले होते हैं शॉप पे होते हैं तो मसला होता है थोड़ा सा जाने के लिए, दोस्त ने भी शहर जाना था तो मैंने कहा साला इकट्ठे चले चलते हैं, कभी बस आ जाता है तो फिर निकलते हैं। सच बताऊं तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, आपको पता है अब इतने 4 साल लगे हैं मैंने और पता भी नहीं चला कि 4 साल किस तरह से गुजर गए हैं, तो अब 10-15 दिन और भी लग गए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगने नहीं चाहिए थे, डिग्री लेट होती जा रही है, मसला हो सकता है, आपको पता फिर जॉब भी ढूंढनी होती है तो इशू होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बस औखा सौखा जाना पड़ेगा। लेकिन आगे बहुत आपके लिए सरप्राइज़ हैं, वीडियोस को आगे भी आने वाली हैं, आप देखिएगा, ये ना समझ लें कि रोटेशन होने वाली है एक बार फिर से, जैसे कि पहले मैं करके आया हूँ ना वैसे ही होने वाला है, अगर समझ आइए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्त मेरा आ गया और अभी बस मैं निकलने लगा हूँ, बैग शैग मैंने उठा लिया, तो ठीक है मुझे अल्लाह हाफिज़ सलाम बस, तो बाकी सबको भी मैंने मिल लिया और निकलने लगा हूँ, इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाऊँगा, तो रब्ता करूँ चले, मैं रब्ता करूँगा, बस मैं समझ लें गया और ये मास्क पहना और मैं यूँ आया, तो मिलते हैं ठीक है मुझे अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा गाड़ी में बैठ गया और बस थोड़ी देर यही निकले हुए यहाँ से, इंशाल्लाह 5
5.5 घंटों में जो है इस्लामाबाद पहुँचाऊँगा। तब तक मैं ना यहाँ पे एक मूवी इंजॉय करता हूँ और आप मेरा इंतज़ार करें इस्लामाबाद पहुँचने का, तो फिर आगे देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। अभी होस्टेस जो है रिफ़्रेशमेंट के लिए से वाटर वगैरह सर्व कर रही हैं, तो वो पीता हूँ, मुझे सच में प्यास भी बहुत लगी हुई है। सो फाइनली आई एम बैक टू यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी टाइम से मैं आया हुआ हूँ यूनिवर्सिटी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी इधर, इतनी ज़्यादा कि हमारे गांव में भी इतनी फील नहीं हो रही थी जिस तरह से आज मैं इधर आया हूँ। बाकी अभी शाम के आलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि आई एम इन द हॉस्टल, और हॉस्टल ना काफ़ी ज़्यादा खाली है। आपको पता है डिग्री लड़कों की ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो चुकी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स घर चले गए हैं। कुछ का जो प्रोजेक्ट रहता है वही कुछ, यानी चंद एक स्टूडेंट्स हैं इधर, तो डर भी लगता है यार अब मैं रहूँगा कैसे, ये मुझे परेशानी खाई जा रही है। और जो आम थे वो भी सारे ना ख़त्म हो चुके हैं, तो सोचना ये है कि अब मैं रहूँगा कैसे, किसी एक दोस्त को तो अपने पास रहना पड़ेगा, अकेला रहने में ना बड़ा मतलब बोर हो जाता है। चले वो तो देखी जाएगी, जो भी होगा अच्छा होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। ये बिल्लियाँ देखें माशाल्लाह कितने प्यार से बैठी, ओ सोजो 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 आजो आजो। तो अभी मैं आया हूँ छत पे और आपको पता है ताज़ा ताज़ा आया हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा स्ट्रेस फील हो रहा है, दिल नहीं लग रहा, अजीब दिल करता है कि फिर घर चला जाऊँ, लेकिन अभी नहीं जा रहा मैं, एक दो दिन इधर ही हूँ। तो फिलहाल मैं ऊपर आया हूँ और थोड़ा बहुत ना वो पहाड़ हैं वो देखते हैं, घर कॉल करता हूँ, थोड़ी बहुत बात करता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर नीचे चलेंगे। अभी हॉस्टल का सीन कुछ इस तरह से है, बिल्कुल ना सनसान सा फील हो रहा है, पहले कोई ना कोई स्टूडेंट नज़र आ ही जाता था, अभी भी हैं, सारे रूम्स में सोए हुए हैं, शाम का टाइम है। अच्छा एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, स्टूडेंट्स ना सोते बहुत हैं, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या मसला, दिन के टाइम नहीं आती, रात को भी बहुत लेट आती है, नहीं तो अदरवाइज ना स्टूडेंट्स सारा दिन सोए रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, आज है यानी कि ट्यूसडे, तो अभी सुबह सुबह गए ऑलमोस्ट 9:15 हो रहे हैं और अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही दुआ कीजिए कि सर भी मिल जाएं, और जो हमने ना जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो तो हमने रेडी कर लिए, अब बस परफॉर्मेंस करनी है इधर आके लैब में जाके, यानी कि जो हमारा रिएक्टर है उसके ऊपर हमने वेस्ट को जलाना है, उससे फिर हमने बनानी है ऑयल और गैस। अब देखना ये है कि ऑयल एंड गैस बनता है या नहीं बनता। बाकी जो सर हैं आई थिंक डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है क्योंकि वो छुट्टियों पर हैं शायद किसी काम की वजह से, तो अभी जाके एग्जैक्ट कन्फर्म भी कर लेते हैं कि सर आए या नहीं, और दूसरे मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे भी मिल लेते हैं कि परफॉर्मेंस का सीन क्या है। फिलहाल तो ये मेरे पास बाइक है, बाइक पे मैं जा रहा हूँ, दोस्त सोए हुए हैं दूसरे, उनको आपको पता छुट्टियाँ हैं, कुछ फ्री हो गए घर चले गए हैं, आपका भाई इधर जलील हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे भी फ्री करें, मैं भी घर जाऊँ, अब तो अकेले रहने में भी डर लगता है यहाँ पे। बहरहाल अभी यूनिवर्सिटी चलता हूँ, देखते हैं सीन क्या है और उसके बाद फिर आपको सारा सिनेरियो भी बताऊँगा। नाश्ता भी करना है, वो भी करना है मैंने अभी थोड़ी देर में, बहुत भूख लग रही है, रूटीन फिर से तब्दील हो गई, घर टाइम पर खा लेते थे, अब वहाँ यहाँ पर रात का खाना कल मैंने खाया तकरीबन 12 बजे जाके, इतना लेट हो गया था, और ये रूटीन की सिचुएशन है। फिलहाल आगे चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं कि आगे का प्रोग्राम क्या है। हाँ जी गाइस, तो वापस मैं हॉस्टल में आ गया हूँ और जैसे यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ पता चला है कि ना अभी तक सर आए हैं और ना ही जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं माशाल्लाह से वो आए, क्योंकि वो है डे स्कॉलर, उसने आना था रावलपिंडी से, तो रावलपिंडी से आते आते टाइम लगता है। अभी मैंने उसे कॉल करके पूछा है भाई आना है या नहीं आना, मैं वो इंग्लैंड से वो दूसरे कोने से आया खड़ा हूँ इधर, तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके FYP के लिए, और तुम घर बैठे हो, कह रहा है कि मैं भी निकला हूँ तो बस घंटे डेढ़ में पहुँच जाता हूँ यूनिवर्सिटी, तो फिर देखते हैं कि करना क्या है। कुछ प्रोसेस जो हमने खुद कर सकते हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो हम खुद कर लेंगे, फिर जब सर आएंगे तो उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेट हो रहा है, तो इसके लिए मुझे फिर यही हल मिल रहा है कि मैं कुछ दिन मतलब कल या परसों फिर घर चला जाऊँ, लेकिन देखते हैं कि अब सिचुएशन क्या बनती है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में नाश्ता करने के लिए, तो मिलते हैं आगे। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए आया हूँ और टेबल सजा दिया गया है, बस नाश्ता आ रहा है, तो क्या मंगवाया है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये रहे जी चिकन अचारी, और ये मैंने साथ में आज पराठे मंगवाए हैं, नाश्ते में ना घर के पराठे खाने की आदत पड़ी हुई थी, तो इस वजह से इधर भी मैंने पराठे ही मंगवाए हैं। और आप देख रहे हो कि मेरे साथ कोई नहीं है, वो इसलिए कि पहले तो सारे सोए हुए हैं और जो हैं कुछ जो हैं वो यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, क्योंकि मैं सुबह का जल्दी उठूँ इस वजह से मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं खाता हूँ बाकी के बाद में खा लेंगे, उनका भी प्लान नहीं था, इस वजह से मैं अकेला ही आया हूँ, तो शदीद वाली भूख है, पहले मैं ये खा लेता हूँ उसके बाद फिर चाय पीऊँगा फिर वापस यूनिवर्सिटी।
सो अभी मैं वापस हॉस्टल आ गया, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया और अभी कुछ सीन यूँ है कि ये दिन के 12 बज चुके हैं और ये मेरा नाश्ता हुआ है, तो अभी मैंने फिर वापस यूनिवर्सिटी जाना है। ये चक्कर अब लगते रहेंगे, ये लगते रहेंगे, ये प्रोजेक्ट जब तक मेरे गले आया ये चक्कर लगते रहेंगे। तो अभी मैं वापस यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि दोस्त मेरे ख्याल में बस पहुँचने वाला है, उसको मैंने जाके गेट 1 से यानी कि यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है वहाँ से लेके आना है हॉस्टल, हॉस्टल में सामान उठाना है और फिर हमने लैब में जाना है, वहाँ पर कोई टेस्ट परफॉर्म करने हैं, तो सारा दिन गुजर जाएगा। तो टाइम बहुत क्लील है, मतलब कि शॉर्ट है मेरे पास, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह ज़रूर कर लें और आगे बहुत ही सरप्राइजिंग वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, तो वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा और अपने प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।